गाइस ये है एक जायंट कॉकरोच और ये रिमोट कंट्रोल से चल सकता है। आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ बहुत ही कमाल की चीजों के साथ, जैसे कि ये है एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रियलिस्टिक स्कॉर्पियन, ये है एक लेडी बग, ये भी रिमोट कंट्रोल से चल सकता है, ये है एक टाइगर सेंटीपीड, हिंदी में हम लोग इसको कन खजूरा भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी कमाल की चीजें हैं गाइस, जैसे कि ये एक रोबोटिक चैमेलियन है, ये एक रोबोटिक लिजर्ड है, ये एक रियलिस्टिक चैमेलियन है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जायंट कॉकरोच को अनबॉक्स करते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। चलो फटाफट से कॉकरोच को निकालते हैं इस बॉक्स के अंदर से, देखते हैं ये कॉकरोच कितना ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है, और ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको कॉकरोच ही निकाल के दिखा देता हूँ, सच में यार इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है और ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है। ये जो इसके ऊपर के फिन्स है ना यार, पूरी तरीके से रबर के बनाए गए हैं। सबसे खास चीज इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसके लेग्स है, देखो यार जैसे रियल कॉकरोच में होते हैं कांटेदार लेग्स, यहाँ पे इसके टेंट्रिकल्स है, यहाँ पे इसका आईआर सेंसर है, ऊपर की तरफ दो एलईडी लाइट्स दे रखी है, इसके यहाँ पे तीन लेग्स है, इस तरफ तीन लेग्स दिए गए, यहाँ पे एक छोटा सा व्हील है, एक्चुअल मोटर पीछे की व्हील में, यहाँ पे आपको गियर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर LR44 बैटरीज भी डाल सकते हैं, इसके अंदर तकरीबन 4 LR44 बैटरीज आ जाएंगी। आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक वाले प्रैंक्स भी करने वाला हूं मैं ये कॉकरोच को यूज करके। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल बोल के यहाँ पे दिया गया है। ये रिमोट को इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर इसके बटन निकल के आ जाते हैं, यहाँ से हम इसको फॉरवर्ड चला सकते हैं, यहाँ से इसको गोल घुमा सकते हैं, ऊपर की तरफ आईआर सेंसर की लाइट्स दी गई है, यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर है, यहाँ पे इसके चैनल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके LR44 बैटरीज है, ये सारी की सारी बैटरीज रिमोट में भी आ जाएंगी और कॉकरोच में भी आ जाएंगी। अभी ये रेड जायंट स्कॉर्पियन को अनबॉक्स करते हैं, इसके साथ भी इंफ्रारेड रिमोट मिलेगा, फटाफट से इसको भी यहाँ से मैं निकाल के बता देता हूँ। ये जायंट स्कॉर्पियन भी काफी ज्यादा बड़े साइज का है और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा रियल दिखाई देता है। अगर ये ब्लैक कलर में होता तो और भी ज्यादा रियल दिखाई देता है। ये देखो यार थोड़ा सा रेडिश कलर इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पे चार लेग्स, यहाँ पे चार लेग्स, और ये इसका डंक है और ये बहुत ज्यादा रियल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी आ जाती है, यहीं से ही हम इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, बैटरीज वगैरह डालने की टेंशन इसके अंदर नहीं है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट के अंदर यहाँ पे एक बटन दिया गया है, यहाँ पे एक बटन है, इसके अंदर भी तीन चैनल्स मिल जाते हैं, चार्जर भी इसी के अंदर दिया जाता है। ये रहा गाइस इसका चार्जर, ये पिन को हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये स्कॉर्पियन चार्ज होना चालू हो जाएगा। अभी गुबरेले को अनबॉक्स करते हैं, इंग्लिश में इसको लेडी बग भी बोलते हैं गाइस, आपके यहाँ इसको गुबरेला ही बोलते हैं या फिर कुछ अलग बोलते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, इसका प्राइस लगभग 1000 रुपीज के आसपास है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहां से भी जाकर चाहे तो आप कोई भी आरसी एनिमल या फिर आरसी इंसेक्ट को खरीद सकते हो। इसकी सबसे खास चीज है इसके पर, देखो गाइस इसको हम लोग इस तरह से ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके सेंसर्स वगैरह दिए गए, यहाँ पर इसके आई से, यहाँ पे इसका आईआर सेंसर दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पे तीन लेग्स, यहाँ पे तीन लेग्स, यहाँ पे इसकी मोटर दी गई है, यहाँ पे गियर भी दिया गया है, रिमोट भी दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल कॉकरोच जैसा ही रिमोट इसके अंदर भी दिया गया है। इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे बटन आ जाएंगे। ये टाइगर सेंटीपीड को अनबॉक्स करते हैं, आज देखते हैं ये कॉकरोच को हरा पाती है या नहीं। फटाफट से मैंने इसको निकाल लिया, ये बिल्कुल रियल कन खजूरे जैसा ही दिखाई देता है, पर इसका साइज देखो यार एक सांप जितना बड़ा दिया गया है। रिमोट भी दिखा देता हूँ, एक अंडे के टाइप में इसका रिमोट देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे दो बटन दिए गए, इसके भी साथ LR44 बैटरीज मिलते हैं रिमोट में डालने के लिए। ये रहा इसका चार्जर। अब ये ग्रीन चैमेलियन को अनबॉक्स करते हैं, इसको मैंने लगभग 2500 रुपीस में खरीदा था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये भी इंफ्रारेड रिमोट से ही चलता है, तो यहाँ से इसको फटाफट से मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ये इसका फूड है गाइस, इस तरह के कुछ मैग्नेटिक कॉइंस मिलते हैं इसके साथ, ये मैग्नेटिक कॉइंस ये खा भी सकता है। सारी चीजें आज इसकी प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा खुरदुरा यार, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रियल चैमेलियन को ही पकड़ा हूं। इसकी स्किन बहुत ज्यादा सॉलिड है, जैसे रियल चैमेलियन के आईज होते हैं ना गाइस, वो 360 डिग्री घूम सकते हैं, ये भी 360 डिग्री घूम सकते हैं, और ये जो भी चीजें खाता है वो यहाँ पर जमा हो जाती है। हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ से, पूंछ भी इस तरह से हिलने लगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर बहुत सारे एलईडी लाइट्स भी दिए गए। तो इसका रिमोट दिखा देता हूँ, ये इसका वैरायटी रिमोट है गाइस, देखो कितना अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको राइट में, यहाँ से लेफ्ट में चला सकते हैं, यहाँ से इसकी टंग बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइस चलो भी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है, लेट्स गो एंड फाइट।
गाइज मैं आ चुका हूँ बाहर, सभी आरसी एनिमल्स और सभी आरसी इंसेक्ट्स को मैंने रख दिया है, एक एक करके सभी को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आरसी जायंट कॉकरोच को टेस्ट करते हैं। यार ये इतना ज्यादा क्विक रेस्पॉन्सिव होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। 360 डिग्री भी ये घूम रहा है और बहुत ज्यादा रियल कॉकरोच जैसा ही ये चल रहा है। ये देखो गाइज इसके लेग्स जो है इस तरह से मूव भी कर रहे हैं जब मैं इसको चला रहा हूँ, तो मजा आ गया यार, ये बहुत ज्यादा सही चीज है। अभी आरसी लेडी बग को टेस्ट करके देखते हैं, ये भी बिल्कुल कॉकरोच जैसा ही चलता है क्योंकि इसके अंदर भी सेम रिमोट दिया गया है और इसके विंग्स ओपन करके चलाने पर ये और भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। अब ये रियलिस्टिक स्कॉर्पियन को टेस्ट करके देखते हैं, इसके लेग्स देखो यार पूरे के पूरे मूव करते हैं, अगर इसको कोई दूर से देख लेना यार उसको तो लगेगा कि ये कोई रियल स्कॉर्पियन ही है। अब ये टाइगर सेंटीपीड को टेस्ट करके देखते हैं, इसको मैंने बहुत दिनों से यूज नहीं किया यार, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इसके व्हील्स पूरी तरीके से जैम हो चुके हैं। अब जाकर ये बिल्कुल सही तरीके से चलने लगा है, यहां से मैं इसको टर्न करा लेता हूं। टर्न कराते समय इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल ये एक रियल सेंटीपीड जैसा ही दिखाई देता है। जब ये चलता है तो यार इस तरह से जिगजैग मोशन में चलने लगता है। अभी ये रोबो चैमेलियन को टेस्ट करके देखते हैं, पहले तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये 360 डिग्री अपनी आईज घुमाता है। इसको हम लोग बिल्कुल एक आरसी कार जैसे ही चला सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, रिवर्स, लेफ्ट या फिर राइट, ये बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे दोनों चैमेलियंस को मैंने साइड बाय साइड रख दिया, अभी देखते हैं दोनों में से किसकी टंग सबसे ज्यादा सुपर फास्ट है। यहाँ पे दोनों चैमेलियंस देखो यार एक एक करके सारे के सारे इंसेक्ट्स यहाँ से चट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे एक इंसेक्ट बच चुका है, देखते हैं इन दोनों में से इसको कौन पहले खा पाता है। यहाँ पे दोनों ही ट्राई कर रहे हैं। अभी ग्रीन चैमेलियन ने इसको बहुत जोर से पकड़ रखा है और इसको ये खा गया यार। ग्रीन चैमेलियन यहाँ पर विनर है, इसकी जबान बहुत ज्यादा फास्ट है। ग्रीन चैमेलियन जितनी तेजी से चीजों को खा रहा था उतनी तेजी से ये घूम भी सकता है, देखो यार 360 डिग्री इसके अंदर दिया गया। अभी ये रोबोटिक लिजर्ड को करके देखते हैं, ये बटन दबाने पर इसके गले के आसपास जो फ्रिल्स हैं ये इस तरह से ओपन और क्लोज हो जाते हैं। ओपन करने पर ये लिजर्ड बहुत ज्यादा डेंजरस दिखाई देती है और ये इस तरह से चलने भी लगती है। इसके अंदर सिर्फ टू वे डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो गाइज अभी रेस लगाते हैं इन दोनों के बीच में। मेरे को लग रहा था कि गाइज यहाँ पे गुबरेला जीतेगा पर कॉकरोच बहुत ज्यादा फास्ट है यार, देखो ये बहुत आसानी से रेस को जीत चुका है। यहाँ पर फिर रेस कराते हैं रियलिस्टिक स्कॉर्पियन और जायंट कॉकरोच के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। पहले स्कॉर्पियन आगे निकल गया था, फिर भी देखो यार जायंट कॉकरोच बहुत ज्यादा फास्ट है, जायंट कॉकरोच यहाँ पर रेस में जीत चुका है। अभी देखते हैं गाइज ये कॉकरोच इतने बड़े सेंटीपीड को भी रेस में हरा पाता है नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो रही थी, उतने में ही देखो यार कॉकरोच आगे निकल गया यार। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इसने सेंटीपीड को भी रेस में हरा के रख दिया है पूरी तरीके से। अभी रेस कराते हैं रोबोटिक लिजर्ड वर्सेस कॉकरोच के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। अचानक से देखो यार यहाँ पे लिजर्ड की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी पर कॉकरोच भी कुछ कम है नहीं, बिल्कुल इसके पास में आ चुका है पर लिजर्ड ने देखो यार इसको लात से मारकर साइड में कर दिया है और लिजर्ड बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। क्लियरली लिजर्ड इस रेस को जीत चुकी है यहाँ पर। अभी रेस कराते हैं ये दोनों चैमेलियन के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सा चैमेलियन जीत पाता है। यहाँ पे रोबोटिक चैमेलियन बहुत ज्यादा फास्ट है यार, देखो अपना रियलिस्टिक चैमेलियन बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है, क्लियरली रेस को ये रोबोटिक चैमेलियन जीत चुका है। अभी देखते हैं रोबोटिक चैमेलियन ये रोबोटिक लिजर्ड को भी रेस में हरा पाता है यानी, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये बहुत आसानी से हरा देगा, इसने वापस से हरा के रख दिया है आरसी रोबोटिक लिजर्ड को भी रेस में। अभी आमने सामने वाली फाइट कराते हैं लेडीबग वर्सेस कॉकरोच के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन है पावरफुल। यहाँ पे लेडीबग ने चुटकी बजाते ही कॉकरोच को पलट के रख दिया है और ये कॉकरोच को बहुत जोर से काटे भी जा रहा है। अभी देखते हैं लेडीबग स्कॉर्पियन के सामने कितना टिक पाता है, दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। लेडीबग ने देखो स्कॉर्पियन के पिंसर को पकड़ रखा है, जोर से काटे जा रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। यहाँ पर स्कॉर्पियन इससे भी ज्यादा पावरफुल है यार, देखो एक सेकंड के अंदर ही इसने इसको पलट के रख दिया है और इसके पिंसर से इसके लेग्स को काटे जा रहा है। अभी देखते हैं गाइस ये रियलिस्टिक स्कॉर्पियन सेंटीपीड के सामने कितना टिक पाता है, इसने इसको डस दिया है भाई। सेंटीपीड का जहर बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, इस वजह से यहाँ पे स्कॉर्पियन का काम तमाम हो चुका है। अभी कराते हैं फाइट ये दोनों चैमेलियन के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पे दोनों चैमेलियन देखो यार एक दूसरे के ऊपर टंग से अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन चैमेलियन अटैकिंग मोड में आ चुका है पूरी तरीके से, ये रोबोटिक चैमेलियन को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था पर रोबोटिक चैमेलियन इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अभी एकदम फाइनल फाइट कराएंगे गाइस इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे रोबोटिक चैमेलियन ने पूरा अटैक करने की कोशिश की है अपनी टंग से सेंटीपीड के ऊपर, पर सेंटीपीड देखो यार नीचे से बचकर आकर इसको काटने की पूरी कोशिश कर रहा था पर रोबोटिक चैमेलियन पीछे ढकेल दिया इसने पूरी तरीके से और रोबोटिक चैमेलियन यहाँ पर जीत चुका है रेस में भी और पावर में भी। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये आरसी रोबोटिक एनिमल्स पसंद है या फिर आरसी इंसेक्ट्स पसंद है। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है राजेश, आर्यन, अतीक, मुदस्सिर, सूर्या, मृणाल, अरित्रा, मोहम्मद अली, प्रमोद, विलास। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।